दिस टास्क असेसेस द फॉलोइंग क्लिनिकल स्किल्स: पेशेंट सेफ्टी, इंफॉर्मेशन गैदरिंग, कम्युनिकेशन विद पेशेंट एंड रिलेटिव्स, अप्लाइड क्लिनिकल नॉलेज. मिसेज आसिया हबीब, 26 ईयर्स ऑफ एज, प्रेजेंटेड टू द इनफर्टिलिटी ओपीडी. शी इज नलीपैरस एंड इज अंडरगोइंग वर्कअप फॉर सब फर्टिलिटी. बोथ हस्बैंड एंड वाइफ हैव अंडरगॉन सम टेस्ट, रिजल्ट ऑफ विच शी एक्सपेक्ट टू डिस्कस विद यू टूडे. शी ऑल्सो हैड इरेगुलर पीरियड फॉर सम टाइम एंड हैज नॉट ब्लड फॉर द पास्ट 2 मंथ्स. योर टास्क इज टू ऑब्टेन अ फोकस हिस्ट्री, elicit specific examination and investigation, explain diagnosis to the patient, discuss the management plan with the patient. So, ये structured discussion है या simulated patient? सिमुलेटेड क्वेश्चन है बेटा। स्टार्ट करें. हाँ जी बिस्मिल्लाह चलो। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर मोमना है. मैं गायनी के शोबे से पिछले 4 साल से वाबस्ता हूँ. मैं आज आपसे कुछ सवाल करूंगी. उम्मीद करती हूँ मैं आप इस सिलसिले में मेरी मुझसे तआवुन करेंगी. क्या मैं आपका नाम जान सकती हूँ? आसिया हबीब आसिया, आपकी शादी को कितना अर्सा हुआ है? 6 साल. 6 साल ये आपकी और आपके शोहर की पहली शादी है? जी। आप लोग इकट्ठे रहते हैं? हाँ जी कितने अरसे से? शुरू से नहीं खानदान में शादी हुई हुई है? कजन लगते हैं वो आपके? अच्छा. आपका कभी कोई हमल हुआ है? नहीं जी ठीक है. आप मुझे अपनी आखिरी माहवारी की तारीख बता सकती हैं? कोई July 26 अच्छा. आसिया, मैं देख सकती हूँ कि आप मेरे पास आज जिस मसले के लिए आई हैं वो एक बहुत नाजुक मसला है. और जैसा कि लिखा हुआ है कि आपने और आपके शोहर ने कुछ रिपोर्ट्स वगैरह भी कराई हैं, तो इस सिलसिले में मैं आपसे कुछ सवाल करूंगी कि आपको इससे पहले माहवारी कैसी आती थी? माहवारी मेरी जी इरेगुलर ही रही है शुरू से। अच्छा. इसके अलावा चेहरे के ऊपर बाल वगैरह आते हो, या वजन बहुत बढ़ गया हो, या दाने बन गए हो मुंह पे? नहीं ठीक है. आपके सर में दर्द रहता हो, या छाती से कोई दूध वगैरह आता हो, या आंखों के आगे धुंधला नजर आता हो, नो ठंडे गर्म पसीने आते हो आपको, नहीं पेट के निचले हिस्से में दर्द महसूस होती हो, बुखार रहता हो, नो गंदा पानी पड़ता हो, ऐसा कुछ और नहीं। इसके अलावा आपने कभी दाई से इलाज कराया हो, या नीचे से कोई औजार वगैरह लगवाए हो? नहीं अच्छा. इसके अलावा आपका वजन तो नहीं कम हुआ? नहीं इतना ही। ठीक है. अच्छा, आपके शोहर के टेस्ट ठीक आए हैं? जो उन्होंने टेस्ट कराए थे जो उन्होंने कहा था वो ठीक है उनकी रिपोर्ट। अच्छा. और आपके शोहर क्या काम करते हैं? अरे ना बैठो. कहीं क्लर्क जी सर. प्राइवेट क्लर्क हैं किसी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन। अच्छा. और मिलने वगैरह में ठीक है? जी अच्छा. आसिया, आपको कोई कभी कोई श्वाएं लगी हो, या कोई ऑपरेशन आपका हुआ हो? नहीं ठीक है. अच्छा, आप मुझे बताएं, आपको शोहर से मिलते हुए तकलीफ होती है? माजरा चाहती हूँ, थोड़ा जाती नोयत का सवाल है. नहीं जब आवारी आती है तो दर्द के साथ आती है या ठीक आती है? बहुत थोड़ी आती है एक आध दिन के लिए फिर खत्म हो जाती दर्द के साथ आती है. है। पेन ज्यादा नहीं होती। ठीक है. इसके अलावा आपको माहवारी के दरमियान दाग लगता हो, या शोहर से मिलने के बाद खून पड़ता हो? नहीं ठीक है. इसके अलावा किसी किस्म की अद्वियात का इस्तेमाल तो नहीं कर रही हैं आप, कोई डिप्रेशन के लिए, या कोई स्टीरॉयड वगैरह की अद्वियात? नहीं अच्छा. आपने जो टेस्ट कराए थे, क्या आप मुझे उनके बारे में बताना पसंद करेंगे कि आपने कौन कौन से टेस्ट कराए थे? ट्यूबों का टेस्ट, या कोई और, या कोई इलाज कराया हो, कोई अंडे बनाने वाली गोलियों का इस्तेमाल किया हो? दवाई देती रहती थी जी काफी सारी कुछ ऐसी लेकिन मखसूस अद्वियात थी जो माहवारी के चंद दिनों में लेनी होती थी अंडा बनाने के लिए? जी वो दिन थे कितना अरसा आपने खाई थी? जी मल्टीपल टाइम्स दे चुका आखिरी दफा कब ली थी आपने?
कोई 2 साल पहले। हाँ 2 साल पहले, ठीक हो गया। अच्छा, आपके भी टेस्ट ठीक आए थे और आपके शोहर के भी टेस्ट ठीक आए थे? अच्छा, नहीं, मेरे ख्याल है मेरे कुछ टेस्ट में इशू था जो मुझे उसका पता नहीं। आपकी ट्यूबों का टेस्ट ठीक आया था? वो नहीं करवाया। ठीक हो गया। सर, आई वुड लाइक टू, अच्छा, इसके अलावा आपको शुगर, ब्लड प्रेशर का मसला, दमा, टीबी का मसला, नहीं कभी किसी मसले के लिए आपका ऑपरेशन हुआ हो, नहीं आपको कोई, माजर चाहती हूँ, थोड़ा जाती नोयत का सवाल है, कोई सिगरेट नोशी या इस तरह की कोई और मसला? नहीं ठीक है। सर, आई वुड लाइक टू डू द एग्जामिनेशन ऑफ द पेशेंट। जी बेटा, क्या चाहिए इसमें? 35। सर, BMI ऑफ द पेशेंट, हाइट, BMI 35, हाइट, ठीक इसमें BMI बेटा टोटल 35। है। सर, आई वुड लाइक टू नो द एनी थायराइड अबनॉर्मेलिटी। थायराइड इज नॉट एनलार्ज। ठीक है। सर, ऑन पर अबडोमिनल एग्जामिनेशन, इज देयर एनी फीलिंग ऑफ द मास और एनी अदर थिंग? मैंने सॉफ्ट टेंडर नो मैसेस पर कोई स्पेकुलम एग्जामिनेशन टू रूल आउट लोकल पैथोलॉजी और एनी वेजाइनल डिस्चार्ज? बाय मैंने इसका बिल्कुल नॉर्मल। सर, आई विल लाइक टू रिव्यू द नोट्स। सर, आई विल लाइक टू नो द फेरम एंड गैलवे स्कोर फॉर हिर्सुटिज्म। But she does not have ठीक है। issues. सर, आई वुड History लाइक में आपको टू सर लगा इन्वेस्टिगेशन, इन्वेस्टिगेशन में क्या चाहिए? नॉर्मल हस्बैंड सीमन एनालिसिस, यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट इफ डन, इट इज नेगेटिव। एनी हार्मोनल प्रोफाइल अवेलेबल, LHFSH? LH is 40 and FSH is 76. FSH is 76 bit. okay. AMH? AMH is 0.01. ओके। सीरम टेस्टोस्टेरोन, नॉर्मल है बेटा। एनी कैरियोटाइपिंग अवेलेबल? ओके। नो, HSG अवेलेबल? नॉट डन। ओके। पेल्विक अल्ट्रासाउंड? दैट इज नॉर्मल विद अपना नॉर्मल साइज यूट्रस। सर, बेटा आपकी आवाज नहीं आ रही, सॉरी। अच्छा, जी सर, बोल नहीं रहा, ठीक सॉरी। है। आसिया, आप मुझसे कुछ और पूछना चाहती हैं, तो सर मेरा बच्चा कैसे होगा? या मुझे कुछ बताना चाहती हैं? अच्छा, मैं तो बच्चे के लिए आई थी, मुझे उसका इलाज बताइए। ठीक है। आसिया, मुझे बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि मेरे पास आपके लिए कोई बहुत अच्छी खबर नहीं है। क्या आप चाहती हैं कि आप अपने शोहर को या किसी को अपने साथ बुलाना चाहती हैं, तो आप बुला लें। नहीं, कोई नहीं थी मेरे साथ, मैं अकेले आई। आसिया, जो आपकी रिपोर्टें आई हैं उसके मुताबिक ऐसा है कि आपकी जो अंडा बनाने की सलाहियत होती है वो वक्त से पहले खत्म हो गई है, जिसे हम आम जुबान में प्री मच्योर क्या ओवेरियन मतलब? कहते हैं। आसिया, मैं समझ सकती हूँ कि ये आपके लिए परेशानी का बाइस है, लेकिन आपने परेशान नहीं होना, हमारी माहरीन की डॉक्टर की टीम हमारे हमारे साथ है। हम ये हतमी नतीजा नहीं है, हम इस टेस्ट को दोबारा भी रिपीट करा के देख सकते हैं कि ये टेस्ट जो है आया, यही आया है या
नहीं आया, ठीक है, तो आप परेशान ना हो। कौन सी टेस्ट की बात कर रहे हैं डॉक्टर साहब? ये जो आपने अपने कुछ हार्मोन्स के टेस्ट कराए हैं LHFSH, इनकी जो रेंज है वो नॉर्मल से थोड़ी ज्यादा आई है, ठीक है। तो अक्सर ऐसा औकात ऐसा होता है कि जो अंडा बनाने की सलाहियत होती है जिसम में, वो वक्त से पहले खत्म हो जाती है। उसकी कई वजूहत हो सकती हैं, जैसे कोई शौक का लगना, या फिर जैसे कोई जिन्याती कोई नुक्स होते हैं उसकी वजह से भी होता है। लेकिन इसके बावजूद भी अक्सर ऐसा देखा गया है कि वक्त से पहले माहवारी बंद होने की सूरत में भी 5 से 10% इम्कान हो सकते हैं कि आपको हमल हो सकता है। लेकिन ये उसमें होने क्या के मेरी जो चांस, प्रेगनेंसी हो सकती है? जी मेरी प्रेगनेंसी हो सकती है? देखें, मैंने आपको अर्ज किया कि इसमें प्रेगनेंसी हो, हम इसको दोबारा 12 हफ्तों के बाद दोबारा कंफर्म करेंगे, और अगर टेस्ट की रिपोर्टें यही आई तो फिर हमें मुख्तलिफ तरीकों के सिलसिले में सोचना पड़ेगा। जैसे कि हम आपको कोई हार्मोनल थेरेपीज देंगे, ठीक है, लेकिन उसके ऊपर दूसरा आपके पास तरीका इलाज ये है कि हम आपके अंडे बनाने की, आपकी जो जिस्म में अंडे बनाने की सलाहियत है वो भी देखेंगे, जिसे हम आम जुबान में ओवेरियन रिजर्व कहते हैं, कि आपकी जिस्म में अंडा बनाने की सलाहियत कितनी है। दूसरा तरीका ये हो सकता है कैसे कि हम देखेंगे आपको, जी वो, कैसे देखेंगे? वो हम अल्ट्रासाउंड की मदद से देखेंगे। अल्ट्रासाउंड तो आपने करा लिया था डॉक्टर साहब, आपको रिपोर्ट बता दी मैंने, उसमें तो सारा कुछ ठीक था। एंट्रल फॉलिकल काउंट एक टेस्ट होता है, वो हम देखेंगे कि आपके अंडा दानियों में अंडा बनाने की सलाहियत कितनी है। इसके अच्छा ठीक, अलावा हम माहरीन की, डॉक्टर की टीम को इसमें शामिल करेंगे। हम आपको जो है क्या कहते हैं, अभी फिलहाल के लिए हम आपको हार्मोनल थेरेपी पे स्टार्ट कराएंगे। हम माहरीन की, डॉक्टर्स की टीम से मशवरा कर आपके लिए आपको टाइम मशवरा हो गया, देंगे कि आप, जी 10 मिनट्स हो गए आपके। टेन मिनट्स आपके पूरे हो गए। जी सर ओके सर okay. आई विल, मैं उसको IVF एडवाइस करूंगी और अडॉप्शन टेक्निक्स बताऊंगी। आपका डायग्नोसिस क्या है उस पेशेंट सर को? प्री मेच्योर ओवेरियन फेलियर, प्रीमेच्योर ओवेरियन फेलियर में IVF हो सकता है? सर वो एंट्रल फॉलिकल काउंट रिजर्व के ऊपर डिपेंड करता है। व्हाट डज प्रीमेच्योर ओवेरियन फेलियर मीन्स? सीजेशन ऑफ पीरियड्स बिफोर एज ऑफ 45। ओके, एंड व्हाई डज इट हैपन? मोस्ट ऑफ द टाइम्स इट इज आइडियोजेनिक, बट इट कैन बी ड्यू टू सम डिजीज लाइक सम टर्नर सिंड्रोम, और इट कुड बी आइटोजेनिक ड्यू टू सम, इट कुड बी ड्यू टू इन्फेक्शंस, ऑटोम्यून, जेनेटिक कॉजेज एंड ड्रग इंड्यूस्ड। शाबाश। ओके, उसकी फिर मैनेजमेंट क्या होती है? सर पेशेंट को 45 से कम होती है तो हम उसको सिक्वेंशियल HRT देते हैं अगर कॉन्ट्राइंडिकेटेड ना हो, और टिल द एज ऑफ द मीनोपॉज। और पेशेंट की है, सर हम अर्ली, जैसे इस पेशेंट में 26 ईयर्स के ऊपर हो गया है, तो इस पेशेंट के BMI भी ज्यादा है, पेशेंट का 35 है, तो इसके अंदर हम पेशेंट की कैरियोटाइपिंग वगैरह कराएंगे कि टर्नर या मोज़ेक टर्नर पैटर्न तो नहीं है उसका, और उसके अकॉर्डिंगली फिर पेशेंट को काउंसिल करेंगे कि प्रेगनेंसी तो नहीं हो सकती, लेकिन उसके मीनोपॉजल और क्लाइमेटिक सिम्टम्स को रिड्यूस करने के लिए हम पेशेंट को HRT देंगे, और साथ ही सिम्टोमेटिक रिलीफ के लिए बाकी थेरेपीज किसके वगैरह लिए कोई। आई है ये मरीज? जी किसके सर लिए? सब सर फर्टिलिटी के लिए आई है, इसमें इस कंडीशन में तो उसका सर अडॉप्शन का ही ज्यादा पूछता है, क्योंकि आप FSH सिग्निफिकेंटली हाई। तो IVF की बात कर रहे थे, IVF सर वो एक ऑप्शन हो सकती है कैसे? अगर सर अगर एंट्रल फॉलिकल काउंट जो है वो थोड़ा ओवेरियन रिजर्व थोड़े बेटर हो, लेकिन वो कैरियोटाइपिंग में अगर पेशेंट का टर्नर आ जाता है तो फिर सर नहीं। लेट्स सपोज टर्नर नहीं भी आता, तो अगर इसका FSH इतना है तो व्हाट डू यू एक्सपेक्ट कि उसका एंट्रल फॉलिकल काउंट कितना होगा? लेस ही होगा सर, हाँ वेरी लेस चांस, मिनिमल।
सो IVF कैसे करते हैं बेटा, आप समझिए जरा, थोड़ा सा उसका बेसिक बताओगे? सर उसके अंदर दो प्रोटोकॉल्स होते हैं, या तो शॉर्ट साइकिल प्रोटोकॉल है, एक लॉन्ग टर्म। शॉर्ट में हम गोनाडोट्रोपिन जीएनआरएच एंटागोनिस्ट देते ना, हैं आप फर्स्ट डे। डिटेल में ना जाओ, इससे बेसिक बताओ उसमें फंक्शन क्या होता है। सर उसमें सबसे पहले वही डू पिट्यूटरी डाउन रेगुलेशन फॉलोड बाय सुपर ओवुलेशन, देन वी मोनिटर द ओवोसाइट, मोनिटर फॉर ओवुलेशन, देन वी डू द ओवोसाइट गिव ओवेरियन स्टिमुलेशन फॉलोड बाय ओवोसाइट रिट्रीवल, एंड देन इंसेमिनेशन इज डन ऑन द सेम डे फॉलोड बाय एम्ब्रियो मोनिटरिंग, एंड देन एम्ब्रियोज आर रिप्लेस्ड एंड फॉलोड बाय एम्ब्रियो ट्रांसफर फॉलोड बाय ल्यूटियल फेस पोर्ट। शाबाश, इसमें दो एस्पेक्ट हैं जो होने बड़े जरूरी हैं। फीमेल में क्या होना चाहिए? सर एंट्रल फॉलिकल काउंट जो है वो एंट्रल फॉलिकल काउंट शुड बी एंट्रल फॉलिकल काउंट शुड बी ग्रेटर देन 5, एंड FSH शुड बी लेस देन 10, एंड AMH शुड बी समय वेल 8 या 4 था, माइंड में नहीं आ रहा। बेटा बेसिकली आप मोर देन 16 आई थिंक। बेसिकली फीमेल का एक्स बनना चाहिए और मेल यस के सर, स्पर्म बनना चाहिए, यस सर, उसके बाद ही IVF हो सकता है। यस सर। एंड व्हाट डज प्री मेच्योर ओवेरियन फेलियर मीन्स? प्री मेच्योर ओवेरियन फेलियर मीन्स दैट एग्स रिजर्व्स आर नॉट प्रेजेंट, ओवरीज आर फेल्ड, नॉट वर्किंग प्रॉपरली। तो अगर एक चीज वो है ही नहीं वहां पे और उसका फेलियर है, तो अगर आपको एग ही रिट्रीव नहीं होंगे तो IVF कैसे होगा, राइट या आप सर, कैसे FSH, सॉरी, आप उसको कैसे उसको रेफर करेंगी टू एन IVF प्रोग्राम? राइट सर, एज अ अब आगे सर। जनरल रूल, एज अ लेम मैन को जिस तरह आप एक्सप्लेन करते हैं, मैं आपको अभी बता देता हूँ जो हम अपने पेशेंट्स को बताते हैं, जो इस तरह की आती है कि जब भी कोई बच्ची पैदा होती है, अल्लाह मियाँ उसके सारे एग्स उसकी ओवरीज में डाल देते हैं। ठीक हो गया, विद पैसेज ऑफ टाइम वो एग्स वहां से निकलते रहते हैं, ठीक हो गया। और एक टाइम ऐसा आता है कि जब वो एग्स वहां का रिजर्व बिल्कुल खत्म हो जाता है। ये इन अ ले मैन में इन सिंपल वर्ड्स एक्सप्लेन कि एक जैसे आपका कोई कुकी जार है या डब्बा है, उसमें आपने सारे बिस्किट डाल दिए, एक दफा आप उसमें से एक एक बिस्किट निकालना शुरू हो जाते हो, तो फाइनली जो आपके एंड में बिस्किट रह जाते हैं वो या टूटे हुए होते हैं या कम होते हैं या वो खत्म हो जाते हैं। तो दिस सेम थिंग हैपेंस विद द ओवरीज। हमारे पास जितनी टेक्नोलॉजी अवेलेबल है अभी तक, उसमें हम कैन नॉट प्रोड्यूस न्यू एग्स। हमारे पास जितनी टेक्नोलॉजी है उसके साथ हम सिर्फ उन एग्स को बाहर निकाल सकते हैं जो ऑलरेडी ओवरीज में हैं। और आपकी ये जो रिपोर्ट आई है उसमें ये शो हो रहा है कि उसका रिजर्व आपका बहुत खत्म हो चुका है, और उसमें वी कैन नॉट डू एनीथिंग रिगार्डिंग योर ओवरीज। ठीक हो गया, डू यू गेट माय पॉइंट? ये बात मेरी यस सर, समझ आई? यस सर, आगे। और उससे भी पहले जाने से पहले, जब आपको पहले उसका FSH एक दफा मिला है, दैट इज अराउंड 75, जी सर, वो चीजें जब भी आपको ऐसी रिपोर्ट मिलती है या जब भी कोई भी रिपोर्ट मिले, तो इट्स एज अ गुड डॉक्टर नंबर 1 तीन चीजें उसमें आपने चेक करनी होती है। डेट नेम, सॉरी फिर से बताओ। डेट एंड नेम ऑफ द पेशेंट, और तीसरी फ्रॉम फ्रॉम वेयर इट इज डन, वेयर इट इज डन, इन रिलायबिलिटी ऑफ दैट लैब वेरिएट, लेबोरेटरी। ये तीनों चीजों को आपने पहले रीकंफर्म करना है। अगर उसकी 75 FSH आया हुआ है और 3 महीने का पहले की डेट हुई हुई है ये है, तो फिलहाल आप उसको सिर्फ उसे कहोगे जी रिपोर्ट डजंट लुक गुड, लेकिन बिफोर वी कैन से एनीथिंग हमें इसको कंफर्म करने के लिए इसको रिपीट कराना पड़ेगा, और हो जाके आप ये अच्छी हमारी लैब या वट एवर लैब विच यू थिंक इज रिलायबल उससे जाके वो लैब से टेस्ट करा के फिर दोबारा मेरे पास आप तशरीफ लाओ। सर सॉरी सर, वो असल में वो सारे कहते हैं कि आपके पास जब ऐसे रिपोर्ट लेकर आते हैं तो अगर आप इस तरह में पड़ जाएंगे ना कि मैं रिपीट कर, तो फिर आपका स्टेशन ही खत्म हो जाता है, तो आपने ना उस नहीं, रिपोर्ट को मानना है उसकी तरह। नहीं मानना आप, ये आपको हर जगह
गाइडलाइंस में भी लिखा हुआ है कि जी अगर इस तरह का FSH का लेवल एक दफा आ जाए तो जरूरी नहीं कि आप फौरन ही उस पे मात मान के और उस पे स्टार्ट हो जाओगे। जी सर, अगर वो आपको कहती है कि हाँ जी यही रिपोर्ट मेरी 3 महीने पहले हुई थी, अब दोबारा होगी, अब ये आ गई, ठीक है, या पहले ठीक हो मेरी गया ये सर, थी, ये दिस इज माई सेकेंड रिपोर्ट, ठीक हो गया और ये सर, दोनों रिलायबल जगह से हुई हुई है, फिर तो यू कैन ऑलवेज स्टार्ट ऑफ। अदरवाइज कहो कि जी अगर यही, और फिर आप उसके साथ कह सकते हो कि जी अगर हाँ, अगर आपको इसका डर है कि जी टाइम खत्म हो जाएगा, तो यू कैन ऑलवेज से कि जी आपकी इस रिपोर्ट के हिसाब से आपकी जो मैनेजमेंट है उसमें यही है, लेकिन इसको हमें कंफर्म करने के लिए पहले करेगा, अगर आप भी दोबारा भी आपकी इस तरह की रिपोर्ट आई तो फिर हमारी ये मैनेजमेंट प्लान। ठीक हो गया सर, ठीक है, समझ आ ये गई मैं नहीं मुझे। कह रहा कि आप उससे जाके कहो कि उठ के जाओ, जाके टेस्ट करा के फिर मेरे पास कल वापस आओ, कल तो आपका इम्तिहान नहीं होगा, ठीक हो गया कल सर, तो फिर 6 महीने के बाद आएगी, ठीक हो गया सर, उसमें फिर वो यू करके यू कम इन एंड यू डू दैट। नंबर टू, टू सेव सम टाइम, आपको जो इन्फॉर्मेशन दी है उसे रिकन्फर्म करो, देन यू यू स्टार्टेड ऑफ विद कि जी क्या आपका नाम आसिया है, नहीं सॉरी आपका नाम क्या है, यस सर, जब आपको बस इन्फॉर्मेशन जो आपको दी गई उसको रिकन्फर्म आप जरूर करोगे जी जो मुझे दी गया है आपको, या जो मुझे इन्फॉर्मेशन दी गई उसमें आपका नाम ये है, आपकी हिस्ट्री में ये है, इसके अलावा मैं आपसे कुछ सवाल पूछूंगी, फिर देन यू स्टार्ट ऑफ, ठीक हो ताकि गया यू सर, जो थोड़ा सा टाइम जो आप सेव करना चाहते हो, ठीक है आपकी हिस्ट्री ठीक थी, आपके उसके मार्क्स ठीक थे, लेकिन आप FSH के बाद आप कंफ्यूज हो गए। सर मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी, उसने मुझे पहले कोई हिस्ट्री, यस, आप वो इसलिए कॉन्फ्रेंस एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे क्योंकि वगैरह की कोई हिस्ट्री नहीं दी थी, और जरूरी नहीं, लेट अस जरूरी नहीं हर किसी को आए, आपने 2-3 सवाल जो है जो इसमें मिस किए बहुत इंपॉर्टेंटली, वो 3 थे, ये यस महामारी क्या आपको खुद ही आ जाती है कि आपको दवाई खानी पड़ती है, ठीक हो गया, क्योंकि नॉर्मली ऐसे जो पेशेंट्स होते हैं उनको सिर्फ विड्रॉल होता है, और जब आती है तो कितने दिन रहती है, ठीक है, डू गेट माई पॉइंट। यस सर, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट ऐसे पेशेंट जब आते हैं कि जी पीरियड्स आपके खुद ही आ जाते हैं, चाहे 3 महीने के बाद आए, चाहे 4 महीने के बाद आए, या आपको कोई दवाई लेके फिर आपको इस तरह पड़ेगा। तीसरा, एंड पे आके जब इसका मैनेजमेंट प्लान आ जाता है, उस मैनेजमेंट प्लान का बड़ा सिंपल सी बात है कि अगर वो क्लीन शो विन फेलियर की आगे आगे उसकी मैनेजमेंट हमने क्या क्या कर दी, उसके इश्यूज कौन कौन से हैं, सब फर्टिलिटी नंबर टॉप ऑफ द लिस्ट, सेकंड पे सेकंड पीरियड्स नहीं आ रहे सर उसको, ठीक उसके पीरियड्स नहीं आ रहे, थर्ड बीएमआई सर ज्यादा है, इम्प्लीकेशन ऑफ प्रीमेच्योर ओवेरियन फेलियर एट द एज ऑफ 26, टर्नर ये 3 इसके आपने जो बात से डिस्कस करनी है वो ये 3 है कि सब फर्टिलिटी के लिए हमारे पास उसकी जो ऑप्शंस आ जाती हैं एट दिस स्टेज, अगर ये मान जाता है तो देयर आर ओनली 2 ऑप्शंस व्हिच कम्स थ्रू माय माइंड, थर्ड आए तो मुझे बता देना आप, वन इज हमारे सेटअप के अंदर रहते रहते इस अडॉप्शन अनफॉर्चुनेटली, वो किस तरह ब्रेक करना है, वी हैव टू बी वेरी सिंपथेटिक एंड टेल देम कि ये है, नंबर 2 इज डोनर एग्स जो पाकिस्तान में नहीं होते, जी सर, ये 2 ऑप्शंस तो सब फर्टिलिटी के लिए आ जाएगी, इरेगुलर पीरियड्स के लिए और ये नीचे जो इसके इम्प्लीकेशंस है उसके लिए हमने उसको क्या एडवाइस करनी है। साइकोलॉजिकल सपोर्ट देनी है, एचआरटी के ऊपर डालना है, और उसको जनरल वेट रिडक्शन और जनरल हेल्थ मेजर्स बताने हैं। ये आप एज अ पेशेंट जो आपके पास ये क्लिनिकल सिनेरियो है, इसमें अगर ये 3 चीज आप कवर कर लोगे तो फिर देयर इज अ वेरी गुड चांस कि यू कवर स्कोर गुड मार्क्स विद दैट। उसकी अब जिस तरह आपने मुझे बताया है उसके लिए आपको जरूरी नहीं कि आपने उसको डिटेल में कहना है कि ए चार्ट ही आप लोगे उसको, जी आपके पीरियड्स तभी आएंगे जब आप अकॉर्डिंग टू दीज रिपोर्ट जब आप दवाई खाया करेंगी, और ये दवाई आपको इस तरह से लेनी पड़ेगी, और ये दवाई जरूरी है आपकी लाइफ के लिए, और उसे के लिए उसके एडवांटेजेस आपकी लॉन्ग टर्म हेल्थ के ऊपर ये हो जाते। डू यू गेट माई पॉइंट, यस सर, वो आपका फिर कंप्लीट हो जाएगा। जिस तरह आपने ये किया है, इसके जो मैक्सिमम पॉइंट जो होते नीचे थे वो मैनेजमेंट के नंबर थे, मैनेजमेंट के नंबर आपके कट जाते,
और बाकी में यू वुड हैव स्कोर्ड समथिंग लाइक आई वुड से बिटवीन 4 एंड 5 इन जी दिस सर, जो आपका इस सेशन हुआ था. लेकिन इसमें अगर आप ये 3 4 पॉइंट ऐड कर लेते तो यू माइट हैव देन ब्रॉट इट अप टू 8. लेकिन वो आप FSSG सुन के कुछ ज़्यादा और AMS सुन के ही कुछ एकदम बैक पे चलेगा. सर वो एकदम, मैंने कहा उसने कोई सिम्टम नहीं बताया और अब इतना ज्यादा वो आ गया। जो लॉट ऑफ पेशेंट हु डोंट डोंट हैव एनी काइंड ऑफ सिम्टम जरूरी तो नहीं जिस हर मेनोपॉज पेशेंट को आपको सिम्टम स्टार्ट हो जाते हैं हो ठीक हो गया जाते हैं सर, फॉरन ठीक हो गया सर। उसके हिसाब से भी देन यू विल सी एंड देन विल प्रोसीड. ठीक है सर, ठीक जी तो सर, एनी अदर क्वेश्चन तो देन विल सी. कि सब कुछ समझ आ गया. अगर किसी का क्वेश्चन है बेटा बता दे. सर इस पेशेंट को कैरियोटाइपिंग एडवाइस करेंगे? बेटा हेलो कर तो आप सकते हो लेकिन इसमें पेशेंट खुद भी तो कंसीडर, 15% ये बेटा आपने कहाँ पढ़ा है कि 15% कंसीव खुद बहुत कर लेते हैं. सर वो आगे लिखा हुआ है कि 10% कंसीव कर देते हैं डिपेंडिंग अपॉन द एएमएच एंड एंट्रो फॉलिकल काउंट लेवल। मैंने तो आज तक कभी नहीं देखा बेटा ना किसी को कंसीव करते देखा है ना मैंने ये पढ़ा है. अगर आपने पढ़ा है तो मुझसे वो शेयर कर लो. आई कैन रिफ्रेश माई नॉलेज विद दिस सर 75 विद 75 FSH एंड दिस काइंड ऑफ पीरियड जिसका विड्रॉल हो रहा है. आई हैव हैवन सीन एनीबॉडी टू कंसीव इतने साल तो मुझे हो गए वैसे ये काम करते. 5 to 10% तो बहुत हाई परसेंटेज है जिसमें 10 का मतलब ये है कि 100 में से 10% हैं जो कंसीव कर जाएंगे. 1 in 10 कैरियोटाइपिंग कैरियोटाइपिंग का बता दें। देखो बेटा फिजिकल एग्जामिनेशन के अंदर तो ऐसा अगर निकलता नहीं है तो उसकी इम्प्लीकेशन फॉर द डायग्नोसिस येस लेकिन फॉर मैनेजमेंट इट डजन विल नॉट पे एनीथिंग. ये चीज आपने एक्सप्लेन कर दी. सर एफएसएच की रिपोर्ट को देख के हम कह सकते हैं कि कितने एफएसएच के बाद आईवीएफ इज नॉट पॉसिबल। वी डोंट डू FSH आफ्टर 15. 15 से हाई FSH अगर आता है तो हम नहीं करते. एंड सर सेम विद द एएमएच, कितने एएमएच से नीचे हो तो वी डोंट रिकमेंड। जॉनली आई डोंट एडवाइज एनीबडी टू गो फॉर एन FS सॉरी IVA प्रोग्राम जिनका 0.1 से कम FSH अपना AMH लेवल. उनके लिए अगर करना भी हो तो उनके लिए बड़ी सीरियस किस्म की काउंसलिंग करके उनको एक्सप्लेन करते हैं कि दिस इज द रिजल्ट और आपका जो चांसेस हैं वो less than 1% हैं. अगर आप तब लेना चाहें तो फिर हम जरूर उसको एडवाइस करते हैं. लेकिन सिर्फ AMH नहीं होता उसमें उसके बाकी पैरामीटर्स भी होते हैं. अस्सलाम जी बिल्कुल वालेकुम सर, प्रीमेच्योर ओवेरियन इनसफिशिएंसी में एफएसएच कितना होना चाहिए? above 50 बेटा फॉर डायग्नोसिस. सर इसमें जब हम पेशेंट को एचआरटी स्टार्ट करते हैं तो उस गाइडलाइंस में ये भी लिखा हुआ है कि आपने साथ में कॉन्ट्रासेप्शन भी देनी है ऐसे पेशेंट्स को ना, जो जिनके खैर फर्टिलिटी पहले हो चुकी हो, तो उसमें ये साथ में होता है कि आपने कॉन्ट्रासेप्शन भी देनी होती है क्योंकि 1 to 2% चांस होता है। तो सर ये मैंने मेरे ये किसी गाइडलाइन मैंने नहीं पढ़ा. मैंने कहा अगर आपने पढ़ा है तो मुझे आप बिल्कुल शेयर कर दो शेयर कर दो मैं जरूर पढ़ लूंगा. लेकिन मेरा अनुसार HRT के साथ आपको कंसेप्शन क्योंकि की सर ये बात पाई. तो बहुत ज्यादा पढ़ने स्टार्ट, तो उसमें फिर हमने कॉन्ट्रा आई हैव नॉट रेड कि HRT के साथ आपने कॉन्ट्रासेप्शन की दवाई दे दी. मैंने ना सर कभी एडवाइस की है ना मैंने कभी पढ़ा है. अगर आपने पढ़ा है तो जरूर शेयर कर लो. आप अस्सलाम वालेकुम सर, जी तो एएमएच का कितना लेवल हो पीओआई में भी कि हम ओवुलेशन इंडक्शन ट्राई कर सकते हैं? 0.1 या उससे ज्यादा हो तो हम ट्राई कर सकते हैं लेकिन विद वेरी सीरियस काउंसलिंग ऑफ फेलियर. ओके बताएं। ओके लेकिन सर उसमें एफएसएच भी तो उतना हाई है, तो
अगर 0.1 का हुआ भी तो हम एफएसएच को भी तो देखेंगे। एफएसएच कितनी बेटा, उसमें फिर सिग्निफिकेंस नहीं है नॉर्मली, उसकी वैल्यू डजेंट मेक अ डिफरेंस, डज नॉट मेक अ डिफरेंस कीजिए क्या। अच्छा, ऑन द अदर हैंड अगर एफएसएच लेट्स सपोज का 7, 8 या 10 हो तो फिर क्या होता। सर क्या AMH लो होने के बावजूद भी पेशेंट को पीरियड्स आ सकते हैं? कैसे आ सकते हैं? सर एक और बात पूछनी थी, अगर हाइड्रोसेल्पिंग्स हो तो सर उसके ट्रीटमेंट ऑप्शन, अगर पेशेंट को हाइड्रोसेल्पिंग्स है तो उसके ट्रीटमेंट ऑप्शन में पेशेंट को क्या कहेंगे कि बस हम इसकी सेल्फ इंजेक्ट नहीं करके आपको IVF कराना पड़ेगा या उसको सॉरी कोई सर, और? फिर से दोबारा स्लोली, जरा सर दोबारा अगर मुझे। पेशेंट, सर अगर पेशेंट की बायलेटरल ट्यूबल ब्लॉकेज हो ड्यू टू हाइड्रोसेल्पिंग्स, तो उसमें सर ट्रीटमेंट ऑप्शन में हम उसको कोई मतलब कहेंगे कि कोई एंटीबायोटिक या कुछ लैप्रोस्कोपिकली उसको करेक्ट करके, या सिंपल हम उसको कहेंगे कि सेल्फ इंजेक्टमी करा के वो IVF कराए? बेटा जब हाइड्रोसेल्पिंग्स हो जाता है ना, तो दैट मींस कि उस ट्यूब के अंदर देर इज सम काइंड ऑफ फ्लूइड, एक नंबर टू, जब इन ट्यूब्स के अंदर इतना देर तक फ्लूइड रहता है, व्हाट इट डज इज किसके अंदर ट्यूब के अंदर यू रिमेम्बर के छोटे छोटे सीलियाज होते हैं विच यस सर, हेल्प्स टू पुश द एग फॉरवर्ड। यस सर, ठीक, तो दो सीलियाज, स्मॉल सीलियाज जो हैं, जो माइक्रोस्कोपिक होते हैं, दे एक्चुअली दे गेट डैमेज। वंस दे आर डैमेज, देन द लाइकली चांसेस कि शी विल हैव अ नेचुरल प्रेगनेंसी तो वो बहुत कम हो जाती है। लेकिन दोज पेशेंट्स हु कैन नॉट अफोर्ड, या उनकी कोई और रिजर्वेशन है, आइडियली स्पीकिंग यस वी विल टेल देम कि जी कि आपकी सेल्फ इंजेक्ट मी। लेकिन वो भी हम कहते हैं उन्हें ये कि जब हम आपकी दोबारा लेप्रोस्कोपी करेंगे तो उस पर रिकन्फर्म करेंगे कि वाकई ये है कि नहीं है, अगर वो HSG पे आई हुई, अगर हो तो फिर देन वील सी। पर अगर दोनों साइड पे हाइड्रोसेल्पिंग्स है, द आइडियल सिचुएशन इज जहाँ पेशेंट अफोर्ड कर सकता हो कि उसकी सेल्फ इंजेक्ट मी और फिर देन उसकी IVF प्रोग्राम। पर जो अफोर्ड नहीं कर सकते या फॉर एनी रीजन नहीं कर सकते, देन द सेकेंड बेस्ट इज कि हम उसकी सेल्फ इंच ऑस्टमी कर देते हैं। सेल्फ इंच ऑस्टमी होती है, ऑटमी हमेशा होती है जो ओपन कर देते हैं, दैट मीन्स कि हम ट्यूब को सिर्फ कट कर देते हैं ताकि वो सारा उसका फ्लूइड ड्रेन हो जाए। और सर वो जो ट्यूबल कैथेटराइजेशन और हिस्टेरोस्कोपिक ट्यूबल कैनुलेशन होती है वो नहीं? नहीं, नॉट इन हाइड्रोसेल्पिंग्स बेटा, कैनलाइजेशन उसमें हमेशा इफेक्टिव होती है जिसमें नॉर्मल लुकिंग ट्यूब्स हों लेकिन डायस्पिल ना आ रही। ट्यूब्स हैव टू बी नॉर्मल लुकिंग एज वेल ताकि उनमें स्पिलेज हो, तो फिर उसमें चांसेस ऑफ फर्टिलिटी होते हैं। सर आप बता रहे थे कि 7 और 8, 9 अगर FSH हो देन। हाँ, अगर FSH नहीं बेटा, AMH, हमने तो अब लो की बात की थी ना, व्हाट हैपेंस व्हेन AMH इज हाई, उसकी क्या सिग्निफिकेंस। ये वो पेशेंट्स होंगे जो इनको आप जब IVF के लिए स्टिमुलेट करोगे तो ये ओवेरियन हाइपरस्टिमुलेशन में चले जाते हैं, तो यू नीड टू बी वेरी वेरी केयरफुल ऑल्सो अकॉर्डिंग टू, फिर उसकी जो स्टिमुलेशन रिजीम है ये उसके अकॉर्डिंगली फिर आपको थोड़ी सी मैनेज करनी पड़ती है। आप लो डोज से स्टार्ट करते हो कि दे आर द पेशेंट्स हु आर वेरी हाई रिस्क टू बिकम गोइंग इन टू एन ओवेरियन हाइपरस्टिमुलेशन। AMH की सिग्निफिकेंस अगर पूछी जाए फॉर IVF प्रोग्राम, लो में ये होगी, हाई में ये होगी, नॉर्मल में उसके चांसेस थोड़े से बेहतर हो जाए। सर एंट्रल फोलिकल काउंट का पूछना है कि ये जी तो हम पीरियड्स साइकिल के किस डे पे करा सकते हैं? कोई स्पेसिफिक फर्स्ट डेज में कराते हैं साइकिल? फर्स्ट हाफ में बेटा, फर्स्ट और इस ठीक है सर, और सर ये 4 to 25 नॉर्मल होने चाहिए और बाय TVS इसको हम कंफर्म करेंगे? जनरली TVS में कम्स इजियर, अगर आपकी एक्सपर्टीज है TVS इज द आइडियल वन, जिसमें करके आप उसका काउंट देख के आके बताते। ठीक है सर, बट डू रिमेम्बर दैट, देखो कैन वी सी एन एग ऑन एन अल्ट्रासाउंड, हम नो सर, वी कैन सी फॉलिकल्स मोस्टली। एंड हाउ डू वी नो कि द फॉलिकल में एग जरूर होगा।
सर वो नहीं डे होगा, 21 प्रोजेस्टेरोन जब हम करेंगे। वो तो आपका उसका केमिकल टेस्ट आ गया ना बेटा। एज अ जनरल रूल आप जब आके मरीज आके मैं कई बार कहता है, मैं प्रैक्टिकल बात बता रहा हूँ कि जी मेरे अंडे बने हुए हैं, वी हैव टू एक्सप्लेन टू देम कि जी अल्ट्रासाउंड पे अंडे नजर नहीं आते, अल्ट्रासाउंड पे सिर्फ आपका फॉलिकल्स का साइज नजर आता है। फॉलिकल वो है जिसके अंदर एग होता है, और ये स्टैटिस्टिकली इन्होंने कैलकुलेट करके हमें बता दिया कि इस साइज से बड़ा फॉलिकल हो तो फिर आपके चांसेस उसके अंदर एग होने के, अच्छा एग होने के बढ़ जाते हैं। लेकिन देयर इज अ सिंड्रोम जिसको आप कहते हो एम्प्टी फॉलिकल सिंड्रोम, ये वो होता है जिसमें फॉलिकल्स बहुत अच्छे बने हुए, आपने IVF के लिए उसको रिट्रीव किया है, इसको क्योंकि रिट्रीव करते हो उसको सकआउट करके, और वो जब आपने फ्लूइड भिजवाया टूवर्ड्स द एम्ब्रोलॉजिस्ट जिसने माइक्रोस्कोप के अंदर देखा और उसने कहा कि इसमें तो कोई एग ही नहीं मिला, दिस इज ऑल्सो अ पॉसिबिलिटी। दिस इज ऑल्सो, इसमें ऐसे पेशेंट्स में भी होती है जिसमें हर चीज नॉर्मल है और उसकी एक्सप्लेन नहीं हो रही कि इनफर्टिलिटी की वजह क्या है। तो इसीलिए ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि आपने उसको पेशेंट को ये जरूर एक्सप्लेन करना है, और जिसमें ये आपका AMH कम है FSH ज्यादा है उसमें इस किस्म का क्लिनिकल सिनारियो होने के चांसेस ज्यादा हैं। सर AMH और AFC जो है ना, एंट्रिकल फॉलिकल काउंट, तो उन जी दोनों में ज्यादा प्रेफर्ड हम AFC को करेंगे। बेटा देखो, दोनों ही अपनी अपनी जगह इम्पोर्टेंट है, दोनों ही का अपना अपनी जगह इसका एक रोल है। और जनरली हमारी पास तो जब हमने डिसीजन लेनी है कि हमने IVF करना है और कितने फॉलिकल्स क्या सॉरी कितनी किस्तना स्टिमुलेशन करनी है, वो दोनों चीज़ों की जो डिसीजन जो है ये दोनों के पैरामीटर, और उसके बाद एस्ट्राडियोल होता है उसको भी, और बाकी सारे जो हारमोन्स के प्रोफाइल है उनको देखने के बाद देन वी डू दैट कि हमने क्या करना। इमरान, डॉक्टर शनाज की क्लास है? नो सर, आज वो अवेलेबल नहीं है चलो, वी हैव अनदर 2-3 मिनट्स बिफोर आई हैव टू गो। चलो सर। फॉलिकल का साइज कितना होना चाहिए सक्सेसफुल IVF के लिए? आपने कहा कुछ साइज होता है। बेटा, उसका अबव 18 मिलीमीटर जब होने शुरू हो जाते हैं इसमें, फिर उसके बाद हम उसको पिकअप कर लेते हैं। थैंक यू सर। सर एक और क्वेश्चन है, FSH जो रेज होता है उसके लिए कुछ लोग डीहा टेबलेट्स होती थी, कुछ डीहा की फॉर्म में देते थे, क्या पॉसिबिलिटी है कि FSH को कम करने के लिए कोई मेडिसिन हो जिनका, जैसे अब ये यंग पेशेंट है और कंसेप्शन तो इनकी प्रायोरिटी होती है, हमारे यहाँ अडॉप्शन को इतना अच्छा नहीं समझते लोग ना सर अभी भी, मतलब बेटा ये DHEA जो हैं, ये सारी मेडिसिन जो हैं नॉर्मली दे हैव नॉट शोन टू हैव अ वेरी वेरी क्या कहूँगा इफेक्टिव काइंड ऑफ रिजल्ट्स विद दिस DHEA। लेकिन ये सिर्फ उस पेशेंट्स में नॉर्मली हम दे देते हैं जिसमें आके मरीज बार बार कहता है डॉक्टर साहब कोई तो दवाई दे दें, कुछ तो देख लें क्या करके देख लें। थैंक यू सर, थैंक यू, ठीक, थैंक यू सर। सर DHA कितनी देर के लिए देंगे और किस डोज में देंगे? नॉर्मली 1 BD होती है फॉर अबाउट 2 मंथ्स या 3 मंथ्स तक आप दे देते हो, लेकिन आई हैवन सीन एक्चुअली कि जितना इतना हाई FSH लेवल हो तो इट हैज ब्रॉट डाउन टू देम, या कम भी हो जाए तो उनके फिर IVF के रिजल्ट्स बेहतर हो जाए, बट दे क्लेम कि जी इसकी वजह से आपकी एग की क्वालिटी कैन गेट बेटर। सर नोवार्टिस में नॉर्मल मेलाटोनिन और जो है स्टेम सेल ट्रांसप्लांट का भी लिखा हुआ है, तो ये ऑप्शन बताएंगे हम लोग एग्जाम में? स्टेम सेल्स ट्रांसप्लांट, और जो आपकी दूसरी क्या बात की थी आपने? हाँ मेलाटोनिन देखो बेटा, ये सारी चीजें जो है ना ये ट्रायल बेसिस पे हैं, दे आर नॉट काइंड ऑफ रिकमेंडेशन या रिकमेंडेड टाइप ऑफ ट्रीटमेंट। ये जहां पे भी हो रही हैं, आप अपना चाहे PRP कर रहे हो चाहे स्टेम सेल्स कर रहे हो, दे आर ऑल इनटू अ फैक्टर ऑफ रिस्क कम इनटू द डोमेन ऑफ रिसर्च, दे यस आर सर। नॉट नॉट रिकमेंडेड टू बी अ ट्रीटमेंट एडवाइज्ड या प्रेफर्ड ट्रीटमेंट फॉर दीज काइंड ऑफ थिंग्स।
ये दुनिया में जहां जहां भी हो रही हैं वो रिसर्च के बैनर के नीचे आप ये कर सकते हो, बट यस सर, यू कैन नॉट एडवाइज दैट एज अ पेशेंट, जिसमें आप कहो कि जी कि ये हम कर देंगे तो सारा कुछ ठीक हो जाएगा। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस, हमारे पास लेकिन जितना हम ये भी कह सकते हैं कि ट्रायल जो हो रही है ये एंड पे। नहीं, आप देखो आप कि ये ट्रायल बेसिस पे आप ट्राई करना चाहते हो तो ये हो रही है, यस वी कैन डू दैट, लेकिन उसके रिजल्ट्स को इतने प्रॉमिसिंग नहीं। देखो यस सर, ये आप यू डू रिमेम्बर दैट कि जैसे खुदा ना खास्ता किसी को कोई कैंसर हो और कैंसर की नई ड्रग आई है लेकिन अभी तक अप्रूव्ड नहीं है, पर आप ऑन ट्रायल बेसिस, अब क्लिनिकल ट्रायल बेसिस के ऊपर आप ये कर सकते हो, और क्लिनिकल ट्रायल बेसिस के भी यू अंडरस्टैंड जिन्होंने रिसर्च की हुई है कि उसके भी फेजेस होते हैं, जो ह्यूमन, अभी जो भी कोविड आया था उसमें सबने सुना था कि जी ह्यूमन ट्रायल फलां ट्रायल तो फलां ट्रायल, तो इट टेक्स लॉन्ग लॉन्ग टाइम। लेकिन स्टेम सेल्स भी जितनी हुई जा रही हैं उनके, और ये इवन जो सारा कुछ जो हो रहा है इसमें कितने इफेक्टिव हैं कितने नहीं है, लेकिन हमारे IVF सॉरी इनफर्टिलिटी या सब फर्टिलिटी के अंदर इट इज नॉट वन ऑफ द गाइडलाइंस और रिकमेंडेड ट्रीटमेंट जहाँ आप करो। हाँ आप ये जरूर मरीज को कह सकते हो जो ज्यादा कहे कि जी हाँ जी कुछ ही ट्रायल्स हैं, मे बी नेक्स्ट 5 ईयर्स 10 ईयर्स में जब उनके रिजल्ट आए उस पर लोग काम कर रहे हैं उस पर हम वी कैन ट्राई टू हैव दैट, अदरवाइज अगर कहीं से ऐसी जगह है जहाँ आपको पता है कि ये ट्रायल किए जा रहे हैं वहाँ जाके वो करना चाहते हैं तो बाय ऑल मीन्स, लेकिन नॉर्मली आई डोंट लाइक वेरी लाइकली कि मैं उनको बहुत ज़्यादा उस पर स्ट्रेस नहीं करता या उनको इनक्रेज नहीं करता कि आप जाके जरूर करोगे, दे कॉस्ट अ लॉट एंड आई हैवन्ट पर्सनली सीन या मैंने कहीं पढ़ा नहीं कि उसके बाद रिजल्ट बहुत अच्छे आ रहे। सर ये जो पेशेंट है प्रीमेच्योर ओवेरियन इंसफिशिएंसी के, इसके दो इश्यूज हैं, एक इनफर्टिलिटी और एक मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो हम जी इनफर्टिलिटी के लिए तो अडॉप्शन और ओसाइट डोनेशन, और जी उसके लिए सर मेंस्ट्रुअल साइकिल के लिए वो जो HRT, बस यही दो ऑप्शंस देने हैं ना। बेसिकली वो बाद में उसको लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन बेटा, क्योंकि उसका वेट ज्यादा है, नंबर 3 उसको कैल्शियम देने की बहुत सख्त जरूरत है ताकि उसकी बोन्स की और वो उसकी ना, अगर आप कराना चाहो तो, अगर और आगे चले जाओ टाइम है अब तो खैर टाइम 10 मिनट्स होता है, तो ऑफ कोर्स हर लिपिड प्रोफाइल एंड इसके कार्डिक डिजीज में इसका इंस्टेंस बढ़ जाएगा, वो सारी चीजें हमने शुरू कर। चलो एनीथिंग एल्स बेटा? सर एग्जाम के लिहाज से एक क्वेश्चन पूछना कि इस दफा एग्जाम में डमीज और मैनिक्विन्स वगैरह होंगे, अगर आपके पास इलम हो कोई। बेटा ये तो जाओगे तो पता चलेगा। सर मैंने ये पूछना कि गायनी के पेशेंट में हम तो बहुत सी गायनी के पेशेंट हमें बाय मैनुअल और परिजन या PS नहीं करने देती ना, एग्जाम में टाइम भी तो अब कम होता है, तो हमें वो फाइंडिंग एग्जामिनर से मांगनी होगी फिर। आमतौर पे बेटा वो ऐसा पेशेंट रख नहीं रहे, लाइव पेशेंट जिसमें ये आपको पेल्विक उसकी बार बार करनी पड़े। हाँ अब्डोमिनल एग्जामिनेशन ऑब्स्टेट्रिक्स का डेफिनेटली होता है लेकिन नॉट ऑफ पेल्विक नहीं कर पाते। ठीक सर, इरेगुलर साइकिल में हम नॉर्मली तो हम डे टू के ऊपर FSH LH कराते हैं। इरेगुलर साइकिल में हम सर किसी डे का भी मांग सकते हैं FSH LH, क्योंकि पीरियड वगैरह तो उसको आ नहीं रहे हैं, तो उसको विड्रॉल कराओगे आप और हार्मोनल प्रोफाइल हम डे टू की मांगेंगे। अगर आपने FSH का करना है, अगर आप AMH का करना है इट डज नॉट थिंक विद द मेंटल थैंक हेल्थ। चलो बेटा थैंक यू वेरी मच, सी यू इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक। ओके बाय बाय।